नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समझ जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। भोपाल, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने बताया कि महंगाई को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी 4 सितंबर को पूरे देश में ब्लॉक स्तर तक करने जा रही है। यह आंदोलन राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बेरोजगारी और महंगाई को लेकर है, ऐसा ही कार्यक्रम राज्य स्तर पर भी होगा जो ब्लॉक तक चलेगा। भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। मेन मुद्दे पे चर्चा की जाए महंगाई को लेकर 4 सितंबर को नई दिल्ली में बड़ा हल्ला बोल नजर आए, किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, आप देख रहे हैं आज जैसे उसकी शुरुआत हुई, आज पूरे देश में हर स्टेट हेडक्वार्टर पर AICC की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मेरा सौभाग्य था कि मुझे भोपाल आने का मौका मिला है। और ये एक बड़ा आंदोलन जिसकी शुरुआत 4 सितंबर को राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शुरू होने जा रही है, जिसमें पूरे देश से हर जगह के लोग आएंगे, कार्यकर्ता कांग्रेस के आएंगे। और वो जो संदेश है, जो हमारी लड़ाई है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, जो हल्ला बोल है, वो बात अपने अपने राज्यों में ले जाएंगे और उसके बाद हर राज्य में इसी तरह के आयोजन, इसी तरह का हल्ला बोल राज्य स्तर पे होगा, स्टेट हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे। आप ये तो बताइए कि 2024 का जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे, हमेशा बीजेपी हिंदुत्व के आगे आती है, आपको क्या लगता है कि जो जिस प्रकार से बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा होता है हिंदुत्व को लेकर, उससे कैसे निपटेगी 2024 में, क्योंकि मोदी चेहरा रहेगा? देखिए, हिंदू धर्म मैं भी हिंदू हूँ और हम सब इस धर्म, हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या हम अपने फायदे के लिए उसके नाम को बेच सकते हैं? तो ये कांग्रेस का सिद्धांत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बीजेपी का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के का सबसे बड़ी एक स्ट्रैटेजी है। लोग महंगाई पे उनसे सवाल ना पूछें, लोग बेरोजगारी पे सवाल ना पूछें, लोग जो स्कैम्स हो रहे हैं उस पर ना पूछें, जो आप सारे सरकारी संस्थानें बेचते जा रहे हैं उस पर सवाल ना पूछें। तो उनके पास तो बताने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास केवल ये है कि उसको काउंटर करने के लिए लोग इसी में बिजी रखें तो एक नया शगुफा छोड़ देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारगर साबित होगी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी जो लंबी यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो लेकर, क्या मानते हैं मैम, कितनी कारगर, कितनी सफल साबित होगी? क्योंकि कई मुद्दे होंगे, अलग अलग राज्य होंगे, अलग अलग मुद्दे, क्योंकि गुजरात में भी अभी 2022 में चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कितना फायदेमंद ये यात्रा? देखिए, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा आदरणीय राहुल जी आने वाली 7 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? भारत जोड़ो यात्रा क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आज जिस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और इस देश के हर उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी अंग्रेजों के खिलाफ, आज वो देश बिखरता चला जा रहा है, सांप्रदायिकता के नाम पर टूटता चला जा रहा है। जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है, और ये इतिहास गवाह है, मैं बता देना चाहती हूँ, इतिहास गवाह है, जब जब ये देश बटा है तब तक ये देश पर विदेशों के आक्रमण हुए हैं। हमारे पास आज देश के आस पास के जो हमारे जो सरहद पार, हमारे जो देश हैं, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, ये वो देश है जिनके हमेशा निगाहें हमारे देश पे रहती हैं। अगर हमें उनसे लड़ना है तो सबसे पहले देश को अखंड रखना पड़ेगा। मेन मुद्दे पे चर्चा की जाए महंगाई को लेकर 4 सितंबर को नई दिल्ली में बड़ा हल्ला बोल नजर आए, किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है? देखिए, आप देख रहे हैं आज जैसे उसकी शुरुआत हुई, आज पूरे देश में हर स्टेट हेडक्वार्टर पर AICC की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मेरा सौभाग्य था कि मुझे भोपाल आने का मौका मिला है। और ये एक बड़ा आंदोलन जिसकी शुरुआत 4 सितंबर को राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शुरू होने जा रही है, जिसमें पूरे देश से हर जगह के लोग आएंगे, कार्यकर्ता कांग्रेस के आएंगे। और वो जो संदेश है, जो हमारी लड़ाई है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, जो हल्ला बोल है, वो बात अपने अपने राज्यों में ले जाएंगे और उसके बाद हर राज्य में इसी तरह के आयोजन, इसी तरह का हल्ला बोल राज्य स्तर पे होगा, स्टेट हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे।
आप ये तो बताइए कि 2024 का जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव आप लड़ेंगे, हमेशा बीजेपी हिंदुत्व के आगे आती है, आपको क्या लगता है कि जो जिस प्रकार से बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा होता है हिंदुत्व को लेके, उससे कैसे निपटेगी 2024 में, क्योंकि मोदी चेहरा रहेगा? देखिए, हिंदू धर्म मैं भी हिंदू हूँ और हम सब इस धर्म, हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस धर्म को हम मानते हैं, जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, क्या हम अपने फायदे के लिए उसके नाम को बेच सकते हैं? तो ये कांग्रेस का सिद्धांत नहीं है और कहीं ना कहीं इस ये बीजेपी का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के का सबसे बड़ी एक स्ट्रैटेजी है। लोग महंगाई पे उनसे सवाल ना पूछें, लोग बेरोजगारी पे सवाल ना पूछें, लोग जो स्कैम्स हो रहे हैं उस पर ना पूछें, जो आप सारे सरकारी संस्थानें बेचते जा रहे हैं उस पर सवाल ना पूछें। तो उनके पास तो बताने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास केवल यह है कि उसको काउंटर करने के लिए लोग इसी में बिजी रखें तो एक नया शगुफा छोड़ देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कितनी कारगर साबित होगी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी जो लंबी यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो लेकर, क्या मानती हैं मैम, कितनी कारगर, कितनी सफल साबित होगी? क्योंकि कई मुद्दे होंगे, अलग अलग राज्य होंगे, अलग अलग मुद्दे, क्योंकि गुजरात में भी अभी 2022 में चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कितना फायदेमंद ये यात्रा? देखिए, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा आदरणीय राहुल जी आने वाली 7 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? भारत जोड़ो यात्रा क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आज जिस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और इस देश के हर उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, लोगों ने अपनी जान तक, कितना मजबूत संगठन होगा? देखिए, संगठन कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी हमेशा बोलती है गांधी परिवार से हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने कहा, मैंने अनुरोध किया, आप भी पीसी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से लिस्ट ले लीजिए, जितने गांधी परिवार के अध्यक्ष रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नॉन गांधी परिवार के अध्यक्ष हुए हैं, तो ये तो आरोप है भारतीय जनता पार्टी को, उनका काम तो करने दे। देखिए, ये पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक चुनाव होगा और उसमें जो भी चीजें होंगी बहुत जल्दी, अब तो समय ही नहीं बचा, अब तो 2-3 महीने की बात है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसको एक रखने के लिए, इसकी संप्रभुता को एक रखने के लिए हमें ये राहुल जी ने इस यात्रा को की शुरुआत की। नहीं, अभी तक तो उन्होंने रैली की परमिशन दी है, और आपको याद होगा कि कैसे हमारे MPs ने, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन तक के लिए मार्च, एक शांतिपूर्वक मार्च की थी, कैसे सभी MPs को अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके उनको पूरे दिन तक डिटेन रखा गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये एक नई स्ट्रैटेजी है कि आप अगर कोई आपके खिलाफ आवाज़ उठाए, आपसे सवाल पूछे, तो उसके ऊपर पुलिस का प्रयोग करिए, ED का प्रयोग करिए, CBI का प्रयोग करिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, ये हमारी CWC की बैठक में तय हो चुका है कि इस आंदोलन को हर कीमत पर, महंगाई और बेरोजगारी के ये मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, इस देश के भविष्य से जुड़े मुद्दे, इनको हम उठाएंगे चाहे कुछ भी हमें इसके लिए समझ। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।